भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज रविवार से ही होना था। डरबन की इस मैच को देखने के लिए फैंस स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन बारिश ने उनसे भी कोई निराश किया। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की कप्तानी धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के पास है, वहीं साउथ अफ्रीका टीम की कप्तानी एडन मार्करम संभाल रहे हैं। मैच के लिए भारतीय समय अनुसार 7 बजे टॉस होना था। करीब 2.5 घंटे बीतने के बावजूद भी किंग्स मीड स्टेडियम के फैंस के लिए कोई राहत भरी खबर नहीं आई। लगातार बारिश होती रही। इस बीच दर्शक अपने अपने छतरी या रेनकोट के सहारे उम्मीद में बैठे थे कि कब बारिश बंद होगा और मैच शुरू होगा। अंपायरों को भी छाता लगाकर मैदान पर टहलते हुए देखा गया। इसके साथ ग्राउंड स्टाफ के सदस्य भी थे। बाद में मैच अधिकारियों ने इसे रद्द करने का फैसला किया। अब क्रिकेट प्रेमियों को मंगलवार 12 दिसंबर को इंतजार है। दोस्तों, सीरीज का दूसरा टी20 मैच गेके बिरहा में 12 दिसंबर को खेला जाएगा। तीसरा टी20 मैच जोहान्सबर्ग के न्यू वर्ल्डर्स स्टेडियम में 14 दिसंबर गुरुवार को खेला जाएगा। फिर 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी, जिसकी शुरुआत 17 दिसंबर से होगी। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव समेत ज्यादातर खिलाड़ी पहले ही डरबन पहुंच गए और उप कप्तान रविंद्र जडेजा सबसे आखिर में पहुंचे। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये दोनों ही विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए थे। बाद में दोनों सीधे डरबन पहुंचे। गिल और जडेजा ने बाद में प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा लिया था। और ऐसे ही क्रिकेट से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय।